रामचंद्र जी, व्यापारी असमंजस में है कि सीलिंग का जिन क्योंकि फिर से एक बार सताने लगा है, अब क्या लगता है कि पहला वाला दौर आएगा या कुछ अलग हटके भी होगा, आपकी कोई सुनवाई होगी? देखिए, आज जो स्थिति बनी हुई है उससे तो यही लगता है कि ये जो पुराना जिन जो 2007 में निकल के दिल्ली की गलियों में और यहाँ के शहर पे छाया था, वो पुनः उभर के आ गया है और उसने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। कई कॉलोनी में जिस ढंग से सीडिंग हुई है वो दुखद है, और उनकी बात को सुने बगैर, उनकी हकीकत को जाने बगैर जैसे वहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, सारा व्यापारी समाज एक चिंतित है और ये सोचने पर विवश है कि आगे क्या कुछ उसके भाग्य में होने वाला है। अगर वाल सिटी की बात करते हैं, वाल सिटी में क्योंकि चांदनी चौक, खरोल बाग, खारी बावली वगैरह ये सभी, ये पूरा एक व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है, क्या लगता है इसका असर भी यहाँ पर भी होगा? देखिए, वाल सिटी की स्थिति 2007 में जो बनी थी, वहाँ पर तत्कालीन सरकार ने ये बाकायदा घोषणा की थी कि 3 वर्षों के अंदर इसका पुनर्विकास किया जाएगा और पुनर्विकास करने के बाद जो खर्चा होगा उसको बांट करके, उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से कन्वर्जन चार्ज दिया जाएगा, लेकिन वो डेवलपमेंट के नाम पर लिया जाएगा। कन्वर्जन ऐसे नहीं कि कोई जो रेजिडेंशियल है उसको कमर्शियल में बदल दिया। अगर सरकार अपने वायदे से इस प्रकार मुकरती है या गलत बात का सहारा लेकर के व्यापारियों को परेशान करती है तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। लेकिन 3 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, पुरानी दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया, तो मुझे लगता नहीं है यहाँ कन्वर्जन किसी किस्म का हुआ है या लागू। व्यापारियों में डर का माहौल है? नहीं, निश्चित रूप से डर का माहौल तो है ही, जिस ढंग से ये अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि एक हो सकता है ये यहाँ को भी, चांदनी चौक को, करोल बाग को, पुरानी दिल्ली को भी अपने इसके चपेटे में ले लें। क्या आगे की रणनीति होगी? देखिए, जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो मैं समझता हूँ व्यापारी जागरूक होकर के खड़ा होगा और उसका जो भी माकूल जवाब होगा दिया जाएगा और अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए जो भी किया जा सकता है उसको करने का प्रयास किया जाएगा। अभी तो इस मामले में लगभग मैं समझता हूँ हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद पहले पुनर्विकास की बात पहले होगी, सरकार के किसी भी विभाग की तरफ से हो, और उसके बाद यदि कुछ बात बनती है तो फिर वो तो तब विचार किया जाएगा। देखिए, भयभीत की बात करें तो रोजाना व्यापारी सबसे पहले सुबह न्यूज़पेपर उठा के देखता है और रोजाना उसके अंदर खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि आज डिफेंस कॉलोनी में 50 दुकानें एक साथ इकट्ठी सील हो गई, मार्बल मार्केट में छतरपुर के अंदर वहाँ पर सील हो गई, रोहिणी के अंदर जो है सीलिंग चल रही है, ना खाली जो है कमर्शियल बल्कि कुछ रिहायशी इलाकों में भी सीलिंग का दौर चल रहा है। और जिस तरह से पेपर में स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो है इस सीलिंग से कोई भी दूर नहीं है, वो बात अलग है कि इसका नंबर कब आ रहा है। तो व्यापारी जो है, पुरानी दिल्ली का व्यापारी जो है, इस बात से काफ़ी घबराया हुआ है और असमंजस में है कि आगे क्या होगा। अब वो जाकर के जो है सभी नेताओं के जो है दरवाजे खड़खड़ाने उसने चालू कर दिए, चाहे वो नगर निगम की बात हो, चाहे दिल्ली सरकार की बात हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पूरा है। इसी संदर्भ में हमारे चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ ने एक मंथन जो है कल रखा है कंस्टिट्यूशन कलम में, जिसमें पूरी दिल्ली के व्यापारी सब लोग आएंगे और सब अपनी व्यथा, अपने अपने दुख तकलीफ की उनके इलाकों में क्या चल रहा है वो अपनी जो है बात रखेंगे। उसके बाद फिर हम ये निर्णय लेंगे, सोचा जाएगा कि किस मंत्री से, किस मेयर से, दिल्ली सरकार से, किससे किस किस्म की मदद ली जा सकती है, हम मदद लेने की तैयारी करेंगे। अगर मदद नहीं मिलती तो क्या विकल्प रहेगा, क्या हड़ताल भी विकल्प के रूप में शामिल? देखिए, हम इस बारे में नेगेटिव सोच के नहीं चलेंगे, हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई तो जो है ना व्यापारियों की बात सुनेगा और जरूर सुनेगा। अगर आगे होगा तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आगे की रणनीति फिर आगे जैसा व्यापारी कहेंगे वैसा ही होगा। सर, अभी सीलिंग को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है, व्यापारी परेशान है, उस समझ में नहीं आ रहा किस करवट ऊँट बैठेगा। रोज अखबारों में पढ़ते हैं आज दिल्ली के किसी हिस्से में सीलिंग हुई, अगले दिन किसी हिस्से में सीलिंग हुई, लेकिन एक डर का और दहशत का माहौल है। सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, नगर निगम की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। जो पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, सिर्फ एक आता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन हमारा एक दर्द यह है, चुनी हुई सरकार है केंद्र में, दिल्ली के अंदर, नगर निगम के अंदर, हमारी सुनवाई तो हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो करेंगे, तो उसके ऊपर हमारे नुमाइंदों को कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि व्यापारी के अंदर विश्वास जगे, व्यापारी के सिर पे जो तलवार लटकी है वो तलवार हटे और जो 24 घंटे एक भय के माहौल में हम लोग जी रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगे। तो
और क्या लगता है अगर सरकार इसी तरह से सीलिंग और ये चलता रहे, क्योंकि आज भी क्या है कि सीलिंग और जो प्रॉपर्टी है उनको डेमोलिशन किया जाए, एक बार से सीलिंग का जिन फिर से वो दौर वापस आएगा, तो ऐसी स्थिति में व्यापारी क्या करेगा, क्या व्यापारी के पास विकल्प कौन सा रहेगा? सर, व्यापारी के पास एक ही विकल्प बचता है, वो अपना व्यापार खुद ही बंद करके अपने घर बैठ जाए। पहले पिछले एक साल के अंदर आपको सबको मालूम है कि व्यापार किस दौर से गुजरा है, उस हालात से भी अभी तक व्यापारी संभला नहीं है, चाहे नोटबंदी का मसला था, चाहे उसके बाद जीएसटी का मसला आया, और अब ये सीलिंग की तलवार। तो इससे तो बेहतर ये होगा कि व्यापारी अपना व्यापार बंद करके जो कुछ अपने पास उसके पास है उसमें अपना घर बैठ के गुजारा करे, नहीं होगा तो कहीं भीख मांगेगा, वही रास्ता बचता है। कुछ हड़ताल की भी योजना है कि अगर इसको लेकर अगर हड़ताल पे जाना पड़े, हड़ताल करनी पड़े व्यापारी को? इसमें मेरी अपनी सोच ये कहती है कि हमें पहले जो हमारी सरकार है, अगर हम वहाँ से हताश हो जाएंगे, अभी हम सरकार से हताश नहीं हुए, हमें उम्मीद है कि सरकार से, केंद्र सरकार भी, एलजी महोदय भी और नगर निगम भी हमारी सुनवाई करेंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसका हल निकलेगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ और जीने मरने की स्थिति आई तो सोचा जाएगा क्या होगा। कितने व्यापारी इफेक्ट होंगे अगर ये चीज होती है? सर, लाखों की संख्या है, और उसका आप एक मान के चलें, अगर एक दुकान सील होती है तो सिर्फ एक परिवार इफेक्ट नहीं हो रहा, उसके साथ में जो 20 लोग व्यापार कर रहे हैं वो लोग भी इफेक्टेड होते हैं, तो सारा दिल्ली का व्यापार चौपट हो जाएगा।